अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक होंगे। आज भूख इतनी ज़्यादा लगी है कि पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा था, तो अभी मैं गया था थोड़ी देर पहले, तो इतनी भूख लगी थी मैंने सोचा था कि चलो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इतनी भूख थी कि मैं आधा मैंने खा लिया है तो आधा पड़ा है अभी। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ पिज़्ज़ा और फिर हम थोड़ा बाहर निकलते हैं और बाहर चक्कर लगाते हैं आज। हालांकि आज अप्रैल यहाँ पे 5-6 दिन हो गए स्टार्ट हुए जर्मनी में, लेकिन फिर भी अप्रैल के अंदर भी यहाँ पे आज काफ़ी बर्फबारी हुई है। अभी नज़र तो नहीं आ रही क्योंकि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ऊपर है, लेकिन इसके अलावा फिर भी आज अप्रैल में मैंने पहली दफ़ा देखा यहाँ पे कि जर्मनी में बर्फबारी हुई है और काफ़ी ठंड है बाहर, हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैं आपको पहले पिज़्ज़ा दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे। तो ये है जी हमारा पिज़्ज़ा, जैसा कि मैंने बताया कि आधा मैं पहले ही खा चुका हूँ, तो ये थोड़ा सा पड़ा हुआ है, 3-4 इसके पीसेस पड़े हैं, बाकी मैंने खा लिया, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। और इसमें डलवाया है मैंने चिकन का, जो पाकिस्तान में उसको शवारमा कहते हैं, जो चिकन होता है यहाँ पे इसको डोनर बोलते हैं। और उसके अलावा मैंने इसके इसमें प्याज प्याज जो है वो डलवाए हैं, और इसके अलावा इसमें पेपरोनी है। और बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना हुआ है ये, मतलब पीछे से थोड़ा उसने जला दिया है लेकिन फिर भी खाने के काबिल ये है। अच्छा पिज़्ज़ा बना हुआ था, बहुत मज़े का मैंने खाया है अभी, और भूख चूँकि काफ़ी लगी थी तो ये 3-4 जो पीसेस है वही पड़े हैं। और फिर साथ में ये कोला था और अभी मैंने खा लिया है, तो अभी बाहर निकलते हैं थोड़ी देर। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, वैसे नॉर्मल तो काफ़ी टेम्परेचर चेंज हो गया हुआ था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों फिर से सर्दी स्टार्ट हो गई है। मैं यहाँ पार्किंग में खड़ा हूँ और अभी यहाँ पे बाहर निकलते हैं और थोड़ा चक्कर लगाते हैं और फिर चलते हैं घर। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। बहुत ही ठंडी और फ्रेश हवा आज यहाँ पे, जहाँ पे मैं हूँ मेरे पीछे एक छोटी सी नहर टाइप है, इसको दरिया यहाँ पे राइन बोलते हैं। और आज इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं हैं, रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि ठंड की वजह से मे बी हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हों। नॉर्मली तो यहाँ पे काफ़ी इस टाइम पे रश होता है, क्योंकि आज थोड़ी स्नो फॉलिंग भी हुई थी, लेकिन फिर धूप निकली हुई है, काफ़ी अच्छा वेदर अभी यहाँ पे हो गया है। और अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं चक्कर लगाऊंगा, क्योंकि काफ़ी पुरसकून जगह है ये, यहाँ पे ये जो शहर है यहाँ पे नोएवीद वहाँ पे है, ये बिल्कुल मेरे घर के साथ ही है। और ऊपर जो है आप देख रहे हैं पुल है काफ़ी बड़ा, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा और ऊपर से साथ में धूप भी, बहुत ही खूबसूरत मंजर। नॉर्मली यहाँ पे इतनी ठंड जो है वो मार्च तक ही रहती है, मार्च के बाद यहाँ पे खत्म हो जाती है अभी 3-4 महीने के लिए, फिर जब सीजन चेंज होगा तो गर्मियाँ होंगी, 3-4 महीने गर्मी रहेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे सर्दी ही रहती है। हालांकि ये पानी यहाँ पे काफ़ी नीचे है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे जब सैलाब वगैरह आता है तो ये पानी काफ़ी ऊपर तक आता है, ये इस रोड के ऊपर तक ये आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कोई 12 से 15 फुट नीचे है। लेकिन जब बारिशों का सीज़न होता है यहाँ पे तो पानी काफ़ी ऊपर तक यहाँ पे आ जाता है। इन्होंने निशान वगैरह इधर लगाए हुए हैं सारे, साइकिलिंग के लिए ये रास्ता है, यहाँ से साइकिल वगैरह जाते हैं सारे लगाए हुए हैं यहाँ पे। जर्मनी की एक चीज़ जो है वो बहुत ही, जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, वो ये है कि यहाँ पे खामोशी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली शाम के टाइम 6-7 बजे के बाद अगर आप बाहर निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, बिल्कुल खामोशी होती है, क्योंकि शोर करने का यहाँ पर अलाउड नहीं है। अपने घर के अंदर आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मसलन TV वगैरह भी आपको ऊँची आवाज़ में नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आपके जो नेबर्स में हैं, हमसाए वगैरह हैं, वो अगर पुलिस वगैरह को फ़ोन कर दें तो फिर मसला बन सकता है।
इसलिए ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। हाथ मेरे बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं अभी। यहाँ पे एक छोटा सा, शायद जब कभी यहाँ पे फेरी चलती है तो उसके लिए पुल सा छोटा सा एक बनाया गया है। उसका ऊपर नाम भी लिखा हुआ है कि रॉयल मोसल, कि यहाँ तक जा सकते हैं। आगे से उन्होंने इसको बंद किया हुआ है। सैर कर सकते हैं यहाँ की। ये ऊपर लिखा हुआ है कि कैसे आपने यहाँ पे इसके ऊपर सवार होना है। उसके ऊपर पार्किंग भी के ऊपर लिखा है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जहाज वगैरह जो पहले जहाज है छोटे शिप वो खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, मैंने आपको आज एक और चीज़ दिखानी है। पाकिस्तान के अंदर जो डंडे में लगे कपड़े हैं वो कहाँ से आते हैं, और मैं यहाँ पे वो डब्बे लगे हुए हैं जहाँ पे लोग अपने जो यूज्ड कपड़े हैं जिनको वो नहीं पहनते तो वो उसके अंदर जो है वो डाल जाते हैं, तो वो फिर ऐसे ही ऐसे कंट्रीज़ में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके फिर लोग उनको पहनते हैं। अभी चलते हैं, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये डब्बे इधर जो लगे हुए हैं यहाँ पे शीशा वगैरह ग्लास वगैरह डालते हैं, तो वो डब्बे ये जिनके अंदर कपड़े लोग डाल देते हैं अपने, और फिर वो ऐसे कंट्रीज़ में चले जाते हैं ताकि कुछ गरीब लोगों के काम आ सकें। लेकिन हमारे पता है कि लोग जो है इनका कारोबार करते हैं और उन कपड़ों को सेल करते हैं और बेचते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। नॉर्मली तो ये उन लोगों के लिए है जो पुअर होते हैं, जो ख़रीद नहीं सकते। तो अब तो ये है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।